You're sick of my madness. Don't you tell me what I'm supposed to do. You're better off without me. Don't you tell me what I'm supposed to do. When I'm walking on the streets half naked, it's part of me, it's part of me. When I'm making my bright makeup, it's part of me, it's part of me. When you're crushing all my dreams and you're making me so fool, get out of my life. I know what I'm supposed to do. When you're crushing all my dreams and you're making me so fool, I know what I'm supposed to do. हेलो मरहबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। तो जी ये है फ्राइडे मॉर्निंग और इस वक्त बज रहे थे कुछ 10:30-11। तो मैं बना रही थी नाश्ता मेरे और हानिया के लिए, जो मैंने लास्ट आपने ब्लॉग देखा होगा ना, तो मैंने उसके नेक्स्ट डे से ये कंटिन्यू किया है फ्राइडे से। और जी बस जो बचा हुआ रात का डिनर था वही मैंने मॉर्निंग में जो था वो ब्रेकफास्ट कर लिया। तो यहाँ पर घर पूरा फैला पड़ा हुआ है, मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कि मैं कुछ भी साफ़ करूँ। ये वाला तो मैं सोच रही थी व्लॉग एकदम मैं वॉइस ओवर भी ना करूँ और जो भी घर में हो रहा है बस जैसे ही पड़ा है मैं कुछ नहीं करूँगी, बस ऐसे ही व्लॉग शूट कर लूँगी। तो जी बस धूप हो रही थी और मुझे अंदर घर में थोड़ी ठंड लग रही थी तो मैं बाहर आके बैठ गई, बट 2 मिनट बाद ही मुझे इतनी गर्मी लगी, कहते हैं ना कि एकदम से पिंच होने लगती है बॉडी, तो उस टाइप से मुझे गर्मी लगी और मैं फिर अंदर भाग गई नाश्ता वगैरह करके। मतलब हमारे तरफ की सर्दी ऐसी सर्दी नहीं है कि धूप में बैठी जाए, बट हाँ ये है कि थोड़ी सी देर के लिए हम लोग बैठ सकते हैं पर ज़्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि मैंने गर्म सूट भी पहन रखा था और इतनी तेज़ मतलब धूप हो रही थी माशाल्लाह कि जो वो 15-20 मिनट थे ना, 15-20 मिनट भी नहीं मैं बैठी, मतलब मैं 15 मिनट ही बैठी होंगी, बट स्टार्टिंग के 10 मिनट अच्छा लगा, फिर बाद में मैं अंदर भाग गई। और जी हानिया को मैंने रेडी कर दिया था, जुमा था और ये बहुत ज़्यादा मतलब इसका एवरी डे का हो गया है ज़िद का, तो मैं मिर्ची पाउडर लेके आ गई थी डराने के लिए। और जी ये देखिए इसने क्या हरकत की है। नहीं आ रही, क्या किया आपने? ये मैंने छोड़ दिया। क्या? ये मैंने छोड़ दिया। क्या करूं मैं आपका? अरे मम्मा बोल दो खाने पकम का ले, पकम खत्म हो गया। मां तो जी बस ये शाम का टाइम हो गया था और हानिया के साथ तोड़फोड़ लगी रहती है, वो अब बहुत ही ज़्यादा चीज़ें तोड़फोड़ कर रही है। मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा कुछ डेकोरेटिव आइटम वगैरह लेके आऊँ, बट अब तो बिल्कुल भी मैं अपने घर को डेकोरेट नहीं कर सकती जब तक कि थोड़ी बड़ी ना हो जाए, क्योंकि मुझे पहले मम्मी ने बोला था कि अभी कुछ भी मत करो, हानिया तोड़ेगी, बड़ी होगी ये चीज़ें उठाएगी, और वही सेम चीज़ें हो रही हैं। तो बस और जी यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो थे वो बाहर से लेके आ गए थे भज्जी, हमारी तरफ पकौड़ी बोलते हैं, इधर की साइड इसको बोलते हैं भज्जी। तो ये बनाना की पकौड़ी थी जो कच्चा बनाना होता है। और जी बस यहाँ पर हो गई थी हमारी शाम की चाय, हम लोग चाय पीने लगे थे। और नेक्स्ट डे मेरी मदर इन लॉ जा रही थी उमरा के लिए, तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी थी, कुछ बनाना करना था, क्योंकि हमारी सुबह हम लोग जा रहे थे सुबह में, तो बच्चों को फिर भूख लग जाती है एयरपोर्ट वगैरह पे या रास्ते में से आते टाइम, तो इस वजह से मैंने बच्चों को बना लिया। और बच्चों को भूख तो छोड़ो, उन्होंने घर में बैठते कहते मम्मा मुझे भूख लग रही है, मैंने कहा मुझे पता था कार में बैठते ही लग जाएगी, तो मैंने कुछ रोल्स रख लिए थे और मदर इन लॉ के लिए भी पैक कर दिए थे। और जी यहाँ पर मैंने नूडल्स ही बना लिए थे, क्योंकि क्या था कि हम लोग सब उठे जल्दी जल्दी, तो मैंने सोचा कि घर में ही खा लेंगे खा पी के, और क्योंकि नाश्ता भी नहीं करता सिर्फ चाय पीती, बच्चे रेडी होने लगे और हस्बैंड को भी लास्ट मोमेंट पे कुछ कुछ काम था, तो बस मैंने सब कुछ ही पैक कर लिया कि हम चाय पी के निकल जाएं। बट नॉर्मल डेज में तो भूख लगती नहीं है और वैसे इतनी तेज़ भूख लग गई थी हमें, मैं क्या ही बताऊँ। ये देखो ये बेटा अपने बाप के शूज पहनने लगा है। पर क्या हुआ, तो बहुत अच्छी बात है ना, जैसे पापा ले छोटे हो गए। अच्छा पापा बड़े हो गए क्या, आप यहाँ पर हो? और जी यहाँ पर अरहम जो है वो पार्क कर रहे हैं एक्टिवा, और इन भाई साहब को आजकल मतलब शौक चढ़ा है सीखने का,
तो माशाल्लाह सही से ही उसने जाके फर्क कर दी। थोड़ा सा मतलब है कि अभी पाँव उसके टिक नहीं रहे हैं, पर अदरवाइज 10 साल का बच्चा मतलब ये सब कर रहा है। हम तो मतलब मैंने बोला इसके बाबा से कि मैं भी करूँ, तो कहते नहीं प्लीज़ अल्लाह के वास्ते रहने दो क्योंकि मेरी हिस्ट्री मतलब क्या है ना बहुत ही ख़राब है इनके साथ। एक बार इन्होंने नई स्कूटर ली थी तो मैंने कहा चलो एक मुझे राइड दो, तो हम डिच में गिरने वाले थे, तो वो दिन है आज का दिन है ये मुझे नहीं देते हैं। और जी यहाँ पर मेरे हस्बैंड ये बिल्डिंग दिखा रहे हैं क्योंकि जब हम लास्ट मतलब अभी तो हम इस नए घर में, इससे पहले जिस अपार्टमेंट में हम थे तो वो इस एरिया में थे, और इतना नॉस्टैल्जिक लग रहा था ना सब कुछ, इतना मतलब ऐसा लग रहा था मैं यहाँ से गई नहीं हूँ वो ये सब चीज़ें देख के। और मुझे हल्का सा ना ऐसा हो गया अंदर, दिल से एक उदासी सी हो जाती है ना देख के, है हम लोग यहाँ पर थे कितना अच्छा था सब कुछ ही, मतलब बहुत अच्छा था इस टाइम में जब मैं इस वाले अपार्टमेंट में थी। मतलब कहते हैं ना लाइफ का एक फेज मतलब जो आपको हमेशा यादगार रह जाता है और बेस्ट फेज होता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो पूरी लाइफ अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी दी है, बट ये वाला जो फेज था ना बहुत अच्छा था। और मैं दिखा रही हूँ देखो इस गली के अंदर जाके हमारा अपार्टमेंट था माशाल्लाह। और जी यहाँ पर हम पहुँच गए थे बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 जो कि न्यू बना है। टर्मिनल 1 पहले पुराना मतलब एक था, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों एक ही तरफ से जाती थी, बट अब ये टर्मिनल 2 बना है न्यू है और इतने गजब का है ना कि यहाँ पर पहुँचते ही होश उड़ गए थे। आपको यकीन नहीं आएगा ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है ना ये बैम्बू से बना हुआ है बैम्बू जो बांस होता है उससे बना हुआ है। ऊपर का रूफ मतलब नेचुरल सनलाइट, और जो ये आपको शैंडियर लग रहा है इसमें रियल प्लांट है, इसमें पाइप वगैरह दिए गए हैं ताकि वो वाटर सेल्फ अपने आप को वाटर कर सके। मतलब इतना गजब का था ना मैं बता नहीं सकती है, मतलब ऐसा था देख के होश उड़ गए थे। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, सच्ची में बहुत ही खूबसूरत था। और जी यहाँ पे बस वो घड़ी आ गई थी, मम्मी जा रही थी अंदर, तो बस हम लोग सब मिल रहे थे और बाकी थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट था सबके लिए। और यहाँ पर हानिया हम कह रहे हैं दादी से गले लग लो, वो कहती नहीं मैं भैया से मिलूंगी, और जाके हंस रही है। मैं मतलब जो प्लांट्स लवर हैं उनको कुछ दिखाना चाहती हूँ। सब नेचुरल है, सब नेचुरल है। हमारा ईमान ख़राब हो रहा है, हम क्या करें, किसी से बोल रहे हैं। देखो देखो किसी ने यहाँ से तोड़ भी रखा हुआ है, क्योंकि इससे ना होता है क्या कहते हैं ये ना, ये सीड है। उमरा के लिए जा रही हैं हम, ये हरकतें कर भी नहीं सकते, चोरी चकारी प्लांट्स की गुनाह है, पर क्या करें। और जी बस हम भी अब निकलते, बट हम वेट कर रहे थे जैसे लगेज वगैरह में कुछ प्रॉब्लम ना हो, चेक इन होती है ना कुछ चीज़ें, वो सामान कहते हैं कि नहीं जाना या कुछ उस टाइप से। और बच्चे यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे,
और जी बस मम्मी चली गई थी और हम लोग भी वापस जा रहे थे, तो मैं मतलब बेसमेंट था ये जहाँ पर कार पार्क थी, और इतना खूबसूरत था कि मैं मतलब पता नहीं क्या क्या बोलना चाह रही थी, जो कि मैंने यहाँ पर बोला भी, बट फिर मैं उसके ऊपर वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मुझे खुद को हंसी आ गई थी कि मैं क्या क्या बक रही हूँ मतलब मेरा एक्सप्रेशन से आप जान लेंगे। इतना खूबसूरत था, जो आपको ये पीछे साइड में वॉल दिख रही है ना, ये ऐसा लग रहा था जैसे ईंटों की कुछ वॉल है, बट ये कुछ फाइबर में इन्होंने मतलब उसका डिज़ाइन दे रखा, और उसके पीछे उन्होंने लाइटिंग्स लगा रखी हैं। इतना ज़बरदस्त इंटीरियर था इस एयरपोर्ट का। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जो कि मेरे भाई ने मुझे बताया था, उसको प्लांट का मतलब वो क्या बताऊँ, इसको द बर्ड ऑफ पैराडाइज बोलते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और जी यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड को कमेंट कर रही थी, अरे यहाँ पर एक बेचारा प्लांट पड़ा हुआ है, अनाथ पड़ा हुआ है तो मेरे हस्बैंड का आप रिएक्शन देखना अभी। हाँ कितने बुरे हो और वो भी आपने कैमरे में बोल दिया, मतलब ये एयरपोर्ट कम मुझे नर्सरी ज़्यादा लग रही है, हर जगह प्लांट ही प्लांट, प्लांट जहाँ देखो वहाँ प्लांट, पेड़ प्लांट प्लांट प्लांट, देखो तो सही ऊपर तक। मेरा तो मूड ही ख़राब हो गया एयरपोर्ट आके, मतलब इतनी वैरायटी है प्लांट्स की। एक प्लांट लवर के लिए ना ऐसा है जैसे सोने की खान हो या कोई डायमंड की जो माइन होती है ना कोयले की वो हो, इतनी वैरायटीज, इतनी तो नॉर्मल उसमें नर्सरी में भी नहीं मिलती। क्या करूँ मैं मेरा हस्बैंड कह रहा है तुम जैसे लोगों के लिए सीसीटीवी कैमरे हैं बंदा हो उसको। और जी बस अब हम जा रहे थे घर वापस, और घर जाने में भी हमें 2 घंटे लग गए थे क्योंकि ट्रैफिक बहुत था। और जी बस यहीं तक का था मेरा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो ज़रूर से लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।